नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूं, जो कि आप ये देख सकते हैं, जो फ्रिज है ये कूलिंग नहीं कर रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे, इसमें क्या फॉल्ट है, कहां से गैस निकला है, कहां से लीकेज है, हम इसको चेक करेंगे। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसमें पहले दोस्तों प्रेशर डालेंगे, जो कि हम कंप्रेसर की मदद से इसमें प्रेशर डालेंगे, जो कि हमारे पास है कंप्रेसर, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, मैंने रखा है कंप्रेसर। और हम इसमें प्रेशर भरेंगे, प्रेशर भरने के बाद तब हम इसका लीकेज चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको लगा देते हैं चार्जिंग लाइन यहाँ पर। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया चार्जिंग लाइन, और हम इसमें लगाएंगे गेज, जो कि हमारा प्रेशर मीटर है बोलते हैं इसको, ये प्रेशर मीटर बोलते हैं इसको, जो कि बताता है ये कितना प्रेशर हमको भरना है इसमें। तो हम भी इसको कनेक्ट कर लिए दोस्तों। और हम इसमें भी कनेक्ट कर देते हैं। और हम इसको कंप्रेसर को ऑन करते हैं दोस्तों। ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया है, तो हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं, प्रेशर भरेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं भरेंगे इसमें, हम 100 पॉइंट तक भरेंगे दोस्तों। यहाँ पे 100 पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ तक हम भरेंगे, क्योंकि ये 100 इसलिए हम भरते हैं कि हमारा जो अंदर का फ्रीजर होता है, उसका ज़्यादा प्रेशर भरते हैं तो आपका फ्रीजर टेढ़ा हो जाएगा। तो आप उतना ही प्रेशर भरें कि उतना में आपका लीकेज मिल जाए आसानी से। तो हम इसको लीकेज चेक करेंगे दोस्तों, कहाँ से फॉल्ट है, कहाँ से हमारी गैस निकली है। थोड़ा सा हमने पानी रखा है दोस्तों, और यह जो साबुन है इसको हम झाग बना लेंगे। आप देख सकते हैं हम इसको इसमें झाग बना रहे हैं, फिर हम चेक करेंगे हमारा कहाँ से लीकेज है। जहाँ पे हम इसको लगाएंगे, जहाँ पे लीकेज रहेगा वो बुलबुला जैसा आने लगेगा हल्का हल्का। तो हम चलिए दोस्तों हम इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बुलबुला जैसा आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा लीकेज मिल गया है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रेशर आ रहा है। जो फिल्टर है, फिल्टर के देख सकते हैं आप। तो हम इसको जो है वेल्डिंग करेंगे दोस्तों। हम इसको जो है चार्जिंग लाइन को यहाँ से निकाल देंगे, जो कि हम जब यहाँ पे वेल्डिंग मारेंगे तो ये हमारा, अगर थोड़ा सा भी अगर टुकड़ा गिरेगा तो हमारा ये चार्जिंग लाइन ख़राब हो सकता है। और हम दोस्तों ये जो हमने लगाया है NRB पिन वाल, हम इसको जो है इसमें अंदर का जो पिन लगा रहता है इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम जब ब्रिजिंग करेंगे तो ये प्रेशर बनता है, तो हमारा आसानी से इसमें से निकल जाएगा। हम नहीं निकालेंगे तो ये हमारा यहाँ से फेंकेगा जो ब्रिजिंग करेंगे।
दोस्तों हमने इसको वेल्डिंग कर दिया है फ्लस पाउडर लगा के, तो हम इसमें थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें प्रेशर डालेंगे, तब इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा ये प्रेशर जो निकल रहा था तो इसमें से बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, तो हम इसको फिर से प्रेशर डालेंगे। तो अभी थोड़ा टाइम तक रुकेंगे। दोस्तों हम इसमें प्रेशर भर रहे हैं, तो हम 100 पॉइंट भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, 100 पॉइंट तक भर के छोड़ देंगे, इसके आगे हम नहीं भरेंगे। हम इसको चेक करते हैं कि हमारा बंद हुआ कि नहीं लीकेज। वैसे दोस्तों लग तो रहा है कि लीकेज हमने ब्रिजिंग करके बंद कर दिया है, उससे निकल तो नहीं रहा है। हमने टाका मार दिया है बढ़िया से। ये हमारा 100 पॉइंट पूरा हो गया दोस्तों, तो हम कंप्रेसर को बंद करेंगे, क्योंकि हम जिस कंप्रेसर से प्रेशर भर रहे हैं हमने इसको बंद कर दिया। अब इसके वाली चार्जिंग लाइन को हम खोल देंगे, रेड वाली। तो हम इसमें इसको लगा देंगे कि हम देखेंगे हमारा प्रेशर उतना ही है कि नहीं। हम इसको भी चेक कर लेते हैं चार्जिंग लाइन को, जो कि ज़रा से भी यहाँ से निकलेगा तो हमारा पता नहीं चलेगा कि मतलब कहाँ से लीकेज है। तो हम इसको थोड़ा 10-15 मिनट तक छोड़ेंगे प्रेशर भर के, तब इसके बाद हम इसको वैक्यूम करेंगे। इसमें का जो अंदर का हवा हमने भरा है इसमें को पूरा बाहर निकालेंगे कंप्रेसर की मदद से। तब हम इसके बाद वैक्यूम करने के बाद तब इसको हम इसमें हम गैस भरेंगे। 134 नंबर काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को पूरा आप लोग देखें तभी आप इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि हमने कैसे कैसे इसको क्या क्या किया है, कैसे कैसे हमने इसको प्रेशर भरा है, कैसे लीकेज चेक किया है, कैसे हमने टाका मारा है, इसमें वेल्डिंग किया है, तो अभी आपको पता चलेगा इसमें। तो पूरा वीडियो है लंबा जाने वाला, तो हम आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों हमने इसको चेक किया, हमारा गेज उतना ही बता रहा, तो हम इसमें का जो प्रेशर हम भरे हैं इस प्रेशर को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल रहे हैं प्रेशर को, तो अब हम आप देख सकते हैं दोस्तों हम इसमें लगा रहे हैं गैस मीटर, जो कि हम गैस भरेंगे तो ये बताएगा कि हमारा गैस कितना चढ़ाना है, कितना भरना है इसमें। तो हम इसको पहले वैक्यूम करेंगे कंप्रेसर की मदद से। तो हम इसको इसको टाइट कर देते हैं चार्जिंग लाइन को। चलिए दोस्तों हमने इसको टाइट कर दिया है, तो हम इसको जो है कंप्रेसर में कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। अभी हमारा प्रेशर पूरा इसमें से निकल जाएगा पूरा। अभी पूरा गेज यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाएगा, बिल्कुल 0-0 हो जाएगा, तब आप इसमें गैस भर सकते हैं। तब आपका मान लीजिए कि पूरा वैक्यूम हो गया, जितना प्रेशर आप इसमें भरेंगे वो पूरा, जितना प्रेशर रह जाता है इसमें वो पूरा प्रेशर निकाल के बाहर कर देता है हमारा जो कंप्रेसर जो वैक्यूम करते हैं जिससे हम प्रेशर भरते हैं। तो हम इसको थोड़ी टाइम तक रखते हैं इसे, जब तक ले हमारा वैक्यूम नहीं हो जाएगा तब तक ले हम इसमें गैस नहीं लगाएंगे, गैस नहीं चढ़ाएंगे, सॉरी गलती हो गई। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा वैक्यूम हो चुका है, तो हम इसको जो हवा को बंद करेंगे, बंद करने के बाद हम कंप्रेसर बंद करेंगे और उसके बाद हम इसमें गैस भरेंगे, इसमें वो भी चालू करेंगे पहले इसको हम।
प्लग को हमने बोर्ड में लगा दिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने एक R134 से लिखा है, ये हम इसमें भरेंगे अपने ये वाले फ्रिज में। तो ऑलरेडी हमने ये इसमें लगा रखा है वाल्व, तो इसमें थोड़ी गैस है, अगर जितना इसमें लगेगा उतना हम लगाएंगे, यूज करेंगे इसमें। तो हम इसके बाद चलिए हम दोस्तों इसको हम गैस चढ़ाते हैं। पहले आप दोस्तों इसको थोड़ा से इसको खोल दें, जो कि इसमें जो जितना प्रेशर रहता है पाइप में उसको थोड़ा से बाहर आप निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम दोस्तों इसको फ्रिज को चालू करेंगे। दोस्तों हमारा फ्रिज ये चालू हो गया है, इसको गैस भर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हम इसमें गैस भर रहे हैं, जो कि हम ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने फ़िल्टर चेंज कर दिया, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी तो यहाँ पे लीकेज हो गया था, तो मैंने ये नया फिल्टर नया लगाया है। पुराना वाला फिल्टर मैंने यहाँ पे रख दिया, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था इसमें क्योंकि ये फिन से लीकेज हो गया था, तो हमने इसको चेंज कर दिया है, इससे थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो हम इसको गैस भर रहे हैं दोस्तों। पूरा आराम आराम से गैस भरना चाहिए। अभी हमारा वैक्यूम टूटा नहीं है, जो कि अभी वैक्यूम पे हमारा है सुई है, अभी ये यहाँ पे आ जाएगा रेड के निशान पे, तब ये आपका गैस बताने लगेगा कि अभी कितना गैस जाने बाकी है। तो हम इसको भरते हैं, देखते हैं कब तक वैक्यूम टूटता है इसका। अब देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो है वैक्यूम पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये हमारा जो सुई है रेट के ऊपर पार हो गया है, पॉइंट हो गया है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये जो जीरो दिया है और ये 10 दिया है, जीरो और 10 के बीच में रहेगा तो आपका बहुत अच्छा कूलिंग करेगा, ये बहुत ही बेस्ट कूलिंग करेगा। तो हम इसको अभी थोड़ी गैस बाकी है, हम इसमें भरेंगे, क्योंकि हमारा ये जो पाइप है डिस्चार्ज वाली ये गर्म हो रही है और हमारा फिल्टर भी गर्म है। हमारी ये जो कॉल होगी हीटिंग कॉल ये पूरी गर्म है नाउ एंड प्रेस द बटन, अभी गर्म नहीं है, नेवर मिस एन अपडेट, अभी गर्म नीचे का अभी नहीं है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं फ्रीजर में कैसा हमारा कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम आगे चल के देखते हैं इसको। दोस्तों कूलिंग कर रहा है बहुत बढ़िया, अब इसको बस साइड छू के महसूस कर सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा, आप नीचे देख सकते हैं भाप जैसा उड़ रहा होगा हल्का हल्का, आपको दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये वाली है ये ठंडा हो रहा है। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।